Hi. Subordinating conjunctions are the conjunctions which joins an independent clause to a dependent one. जी हाँ, वो clauses जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक independent और एक dependent, उसको join किया जाता है subordinating conjunctions से. और ऐसे sentences को कहते हैं complex sentence. यानी किसी भी सेंटेंस में यदि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो टुडे इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो क्लियर है डेफिनेशन में, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच जॉइंस क्लॉजेस टू अनदर, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन करता है, विच इट डिपेंड्स, जिस पर वो डिपेंड करता है. Suppose anything, explanation. I will go when you come. So, what is when? तो when एक ऐसा subordinating conjunction है जो conjunction का time बताएगा कि मैं कब जाऊंगा. I will go, मैं जाऊंगा. When you come, तो ये when you come क्या है? एक time बताने वाला clause है और it is connected by subordinating conjunction of time. So what are the subordinating conjunctions? Let's have a look. The subordinating conjunctions are after, this is also of time, subordinating conjunction of time, because, subordinating conjunction of reason, कोई चीज का कारण बताएगा, clause कारण बताने वाला clause लेकर आएगा अपने पास, after time बताने वाला clause, if condition बताने वाला clause लेकर आएगा, that explanation, though, although, till, until, before, unless, as, when. अभी मैंने जो when का example दिया था, I will go when you will come. तो when क्या है? Subordinating conjunction of time है. अपने बाद ये clause लेकर आएगा जो time बताएगा और explanation बताएगा. Well, where, wherever, place बताता है. Where, place. Conjunction of describing place. तो उसके बाद जो क्लॉज लगेगा वो प्लेस बताएगा. Wherever, while, lest, नहीं तो then, only, except, without, since, how, once, else, therefore, however, etc. So these are subordinating conjunctions. I will move to their examples and their different kinds. कितने kinds के subordinating conjunctions होते हैं? Before that, this all is, you must know that what are coordinating conjunction, what are subordinating conjunction. You just watch my video of coordinating conjunction. उसमें पूरा explain किया गया है. There are four types of coordinating conjunction, but there are more than 7-8 conjunctions, type of conjunction which are. So here are some examples of conjunction, subordinating conjunctions, and their how they fit. एक सबसे बड़ी जो चीज है कि आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं और फिर कॉमा लगा करके उसका नेक्स्ट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज डाल सकते हैं. आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, द पार्टी वॉज ओवर ये क्या बता रहा है? आफ्टर द पार्टी, तो ये है कंजंक्शन ऑफ टाइम. आफ्टर क्या है? कंजंक्शन ऑफ टाइम. और द पार्टी वॉज ओवर क्या बता रहा है? समय बता रहा है ये क्लॉज. और फ्यू गेस्ट केम, तो मेन जो है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जो मेन क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फ्यू गेस्ट्स के, कुछ अतिथि आए. और आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, तो पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा क्लॉज उसको बता रहा है इट इज एडिंग समथिंग टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वही कुछ जोड़ता है. ये होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर. तो इस तरह से दो तरीका है इसको लिखने का. या तो आप लिख सकते हैं फ्यू गेस्ट केम आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर फुल स्टॉप, या फिर आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर कॉमा फ्यू गेस्ट केम फुल स्टॉप. देयर आर टू वेज, या तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू कर सकते हैं या तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू कर सकते हैं, फिर डिपेंडेंट क्लॉज डालेंगे, फिर कॉमा लेने के बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. Same way, as the principal was not there, I spoke to the teacher. So the main clause hai, I spoke to the teacher. And the reason, you know, subordinating conjunction, ye reason bata raha hai. As the principal was not there.
तो ये क्या है, रीजन बताने वाला क्लॉज है, और जो मेन क्लॉज है आई स्पोक टू द टीचर. वेल इसी तरह ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. ही रैन अवे वो क्यों भागा, रीजन बता रहा है बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. मेन क्लॉज जो है वो है ही रैन अवे. इसको आप पलट सकते हैं अगेन, इसको कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड कॉमा ही रैन अवे, ही रैन अवे. सो देयर आर टू वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो पहले आप इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख दें, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने के बाद डायरेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज डाल दें फुल स्टॉप, या तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट करें, डिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिख दें, कॉमा लेकर के फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप. दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर कंप्लीटेड. This you can use it in your writing essay, writing application, solving common errors, competitive examination, like how to find out the errors and all. You can use these type of this knowledge anywhere. Well, answer this first question. Answer this first question, main clause. Answer this first question. ये कौन सा sentence है? Imperative, आदेश दे रहा है. Answer this question. अब इसमें क्लॉज लगाया गया, कौन सा क्लॉज, उसके पहले कंजंक्शन जोड़ा गया क्लॉज के पहले, ये है बिफोर टाइम. बिफोर दिस इज कंजंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम. यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेन क्लॉज है. बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आप आगे बढ़ेंगे. यू विल अचीव, आप अचीव करेंगे, मेन क्लॉज. इफ यू, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन. आप अचीव करेंगे अगर यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हैं. यू वर्क हार्ड कंडीशन है और मेन क्लॉज है, ये कंडीशनल क्लॉज है. इफ कंडीशनल क्लॉज बताता है, इफ वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो अपने बाद कंडीशनल क्लॉज लाता है, डिपेंडेंट क्लॉज लाता है. डिपेंडेंट क्लॉज टाइम बता सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज कंडीशन बता सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज प्लेस बता सकता है, डिपेंडेंट क्लॉज रीजन बता सकता है, मगर मेन क्लॉज जो होता है दैट इज सेइंग द स्टेटमेंट, और ये सब उसको कॉम्प्लाई करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं फुल कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं. एंड यू मस्ट मास्टर दिस आर्ट कि किस तरह से कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है. वेल Tell them, उनको बताओ ये मेन क्लॉज है, लेकिन उसके बाद क्या एक्सप्लेनेशन, that conjunction है. I will manage the situation. Same way, he finished, वो खत्म किया. मेन क्लॉज ही फिनिश, उसने खत्म किया. He finished first, उसने पहले खत्म किया. Though he began late, जबकि कंडीशन, जबकि वो लेट शुरू किया था. तो यहां कंजंक्शन है दो, although are similar conjunction, और इसका कॉम्बिनेशन भी होता है दो एंड गेट, जो आपने पेयर ऑफ कंजंक्शन में पढ़ा होगा दो एंड येट. वेल दो ही बिगेन प्ले, यू विल वेट, विल यू वेट, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. विल यू वेट टिल आई एंटर, ये टिल क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम. ये टाइम क्लोज लेकर के आ रहा है, आई रिटर्न, ये टाइम बता रहा है मैं जब तक लौट जाऊं क्या आप इंतजार करेंगे. विल यू वेट टिल आई रिटर्न, लेट मी इरेज दिस ऑल अगेन बैक. आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड, हाउ कैन आई रीजन एट Yes. Now let me again begin with him. I do not understand. मैं समझता नहीं हूं. The main clause is I do not understand. Reason? How? तो ये क्या बता रहा है? Conjunction of reason. This is subordinating conjunction. Reason बताने वाला subordinating conjunction है. इसके बाद जो clause है, वो बता रहा है कारण.
इट ऑल हैपेंड, कैसे हुआ इसका कारण नहीं पता है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, शी इज मोर ब्यूटिफुल, कंपेरिजन बताने के लिए शी इज मोर ब्यूटिफुल, वो ज्यादा सुंदर है, और देन क्या बताता है कंपेरिजन, क्या चीज से ज्यादा सुंदर है, तुलना क्या चीज से कर रहे, अ फ्लावर, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन अ फ्लावर, दिस इज आई नो यू बेटर देन ही, आई नो यू देन बेटर ही नोज, उससे ज्यादा जानता हूं, आई नो यू बेटर, दिस इज द मेन सेंटेंस, एंड देन ही के बाद मतलब है कि ही बोलने का मतलब है ही नोज, ये भी क्लॉज है, ही नोज, जितना वो जानता है उससे ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं, दिस इज हाउ क्लॉज आर कनेक्टेड, एक डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाया जाता है, और उसके पहले भी आप लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट, या उसके बाद भी लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट आजादी दी गई है कि या तो आप उससे सेंटेंस शुरू करें या फिर उसको सेकंड में रखें, और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से भी आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर सेंटेंस इफेक्टिव, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग ऑफ एसेज, एप्लीकेशन, एवरीवेयर, एंड दिस इज हाउ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अपने अपने मीनिंग के हिसाब से सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह का क्लासिफिकेशन है, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो टाइम बताते हैं वो कौन है, बिफोर, टिल, अंटिल, सिंस, आफ्टर, व्हेन, इसका मतलब ये है कि जब भी ये कंजंक्शन आएंगे बिफोर, टिल, अंटिल, सिंस, आफ्टर, व्हेन, इसके बाद जो क्लॉज होगा वो क्लॉज टाइम डिस्क्राइब करेगा, क्या चीज का, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आई लर्न्ड वंडरफुल राइटिंग एंड स्पीकिंग बिफोर आई रीच क्लास 10, आई राइज, आई विल कीप टीचिंग टिल आई गेट सैटिस्फैक्शन, यू मस्ट लर्न अंटिल यू You must learn until you understand. Since we time batayega, after me or when me. So there here are some examples. I will read it for you. Aapko explain kar dunga wo cheez. I have never seen a movie. Maine aisa kabhi movie nahi dekha. Since I heard of an explosion in the theater. I have never seen a movie. Maine kabhi movie nahi dekha. Since I heard an explosion in the theater, जब से मैंने सुना कि एक explosion हुआ, एक bomb blast हुआ है theater में, so this is how since is connecting, since ने connect किया है वो time जब से वो action नहीं हुआ, so I have never seen a movie. Moving ahead. Many things have happened. बहुत कुछ हो चुका है. Main clause. उसके बाद subordinating conjunction. Since I saw you. बहुत कुछ हो चुका है जब से तुम्हें देखा है. तो ये क्या है? ये time clause बता रहा है. Since I saw you. इसको उल्टा भी कर सकते हैं. Since I saw you, comma many things have happened. Full stop. This is how you can write. या तो फिर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज डालेंगे, कॉमा लेंगे, उसके बाद मेन क्लॉज डालकर फुल स्टॉप देंगे. दिस इज हाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर फॉर्म. ये दो क्लॉज वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के हो सकते हैं. सपोज आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने, तो आप दो तीन कंजंक्शन लगा सकते हैं. यदि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों तरह के कंजंक्शन है तो उसे मिक्स सेंटेंस कहा जाएगा, और यदि सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही लगते जा रहे हैं तो सारा का सारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स ही रह जाएगा. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसपे एक भी कंजंक्शन ना हो, और कंपाउंड सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यदि यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को जिसमें सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन किया है उस सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है तो उस पूरे सेंटेंस को आप मिक्स सेंटेंस कह सकते हैं. दीज आर द फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिंग एंड कंजंक्शंस. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस. सो मूविंग अहेड, ही कांट अटेन हिज गोल्स.
वह अपने गोल्स को नहीं पा सकता है, मेन क्लॉज टाइम बताएंगे, अंटिल ही स्टार्ट्स ट्राइंग फॉर इट, जब तक कि वो कोशिश ना को शुरू कर दे। सो अंटिल इज ऑल्सो टेलिंग द टाइम, आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैं इंप्रेस्ड हो गया था वेन आई सॉ हिम, मैंने उसे जब देखा। तो ये टाइम अगेन द कंजंक्शन ऑफ टाइम बता रहा, वेन आई सॉ हिम इट बिकेम क्लियर टू जॉन, ये जॉन को क्लियर हो गया था, आफ्टर ही वॉज एक्सप्लेन द होल मैटर, जैसे उसके बाद जब उसको मैटर एक्सप्लेन किया गया था, ये भी आफ्टर भी अपने बाद टाइम का बता रहा है। सो दिस इज ऑल द फिनिश ऑफ वी हैव फिनिश द कंजंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कॉज एंड रीजन, जो कारण बताए, ये तीन कंजंक्शन है, एज बिकॉज एंड सिंस, ये तीन कंजंक्शन है, हमें सब कारण बताएंगे, मेन क्लॉज का कारण बताएंगे। जैसे I go to market as I have to buy things for my house. मैं market जाता हूं क्योंकि जैसा कि मुझे चीजें खरीदनी होती है मार्केट घर के लिए। So I go to market as I have to buy things for the house. या फिर क्योंकि मुझे ही खरीदना रहता है, because I have to buy the things, चाहे as I have to be, जैसा कि या because क्योंकि, और since जैसा कि। कंजंक्शन सिंस का मतलब जैसा कि होता है, और सिंस यदि प्रीपोजिशन हो या टाइम हो तो उसका दो मीनिंग है, जब से। तो सिंस का दो मीनिंग है, एक तो एडवर्ब में जब से, और एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ रीजन भी है और टाइम भी है। देखिए रीजन में भी सिंस है और टाइम में भी सिंस है, सिंस के बाद मल्टीपल सिंस का यूज है। देखिए जब प्रीपोजिशन सिंस होगा तो उसको सिर्फ उसके बाद नाउन डालते हैं और वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, मैं पढ़ाता आ रहा हूं। सिंस के बाद मैंने क्या डाला, एक नाउन डाला, टू का एक नंबर डाला 2005। तो जब प्रीपोजिशन सिंस लगाते हैं तो वो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन जब कंजंक्शन सिंस लगाते हैं तो सिंस के बाद आप टाइम का क्लॉज या फिर रीजन का क्लॉज डाल सकते हैं, ये कारण भी बताता है और इससे आप सेंटेंस शुरू भी कर सकते हैं। सिंस जैसे कि सिंस ही वॉज लेट ही वॉज डिनाइड द परमिशन टू एंटर द क्लास, जैसा कि वो लेट हो गया था उसको परमिशन नहीं मिला क्लास में एंटर करने का, सिंस ही वॉज लेट। लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल, सिंस ही वॉज लेट, आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, सिंस ही वॉज लेट, ही वॉज डिनाइड द परमिशन सिंस। Since he was late, he was denied the permission. तो since से भी आप sentence शुरू कर सकते हैं, उसके बाद dependent clause जो time express कर रहा है वो डालेंगे, और उसके बाद reason, यहाँ पर reason है, since is the adverb of reason, sorry, conjunction of reason and explaining the reason he was late. He was denied the permission to enter the class. Now moving ahead, my strength is high. अब इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों है, बिकॉज आई एम ट्रू, क्योंकि मैं सच्चा हूं इसलिए मेरी ताकत बहुत है। सो माय स्ट्रेंथ इज हाई, मेन क्लॉज, माय स्ट्रेंथ इज हाई, और हाई होने का कारण बिकॉज आई एम ट्रू, एज ही वॉज एब्सेंट। अब यहां मेन क्लॉज यहां रखा हुआ है, मेन क्लॉज को आप कभी आगे कभी पीछे रख सकते हैं, और कंजंक्शन से यानी कि सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। As he was absent, जैसा कि वो absent था, I made a call to him. जैसा कि वो absent था, मैंने उसे call किया. Since you want to watch the movie with me, जैसा कि आप मेरे साथ movie देखना चाहते थे, since you want to watch movie with me, I have bought two tickets. जैसा कि आप मेरे साथ movie देखना चाहते हो, मैंने दो टिकट खरीद लिया. या जैसा कि तुम देखना चाहते थे, since you wanted to watch a movie with me, I have bought two tickets. या तो ये past tense में भी हो सकता है, ये present में हो सकता है। जैसा कि तुम चाहते थे, मैंने खरीद लिया है।
या फिर ये है प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट, इधर भी प्रेजेंट, ऑल बोथ द क्लॉजेस आर प्रेजेंट. सिंस यू वांट टू वॉच आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट, सो वन इज प्रेजेंट एंड अदर इज प्रेजेंट परफेक्ट. तो अगला जो है सबऑर्डिनेटिंग कन्वेंशन ऑफ पर्पस, पर्पस यानी कि अगेन उद्देश्य, किस उद्देश्य से, तो उद्देश्य बताने वाला दैट लेस्ट सो दैट. ये लेस्ट क्या शब्द है, लेस्ट क्या बनाया था, नहीं तो दैट की एंड सो दैट ताकि. सो स्टूडेंट स्टडी, छात्र पढ़ते हैं, दैट दे में पास, ताकि वो पास कर जाए. दे स्टडी, वो पढ़ते हैं, लेस्ट दे फेल, नहीं तो फेल कर जाएंगे, ताकि वो फेल ना कर जाए. इसे नेगेटिव मीनिंग है लेस्ट क्या मतलब, यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, सो दैट यू डोंट फॉल इल, ताकि आप बीमार ना पड़ जाए. तो ये तीन, दीज थ्री कंजंक्शंस दैट लेस एंड सो दैट, ये पर्पस बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं. अपने पास उद्देश्य वाले क्लॉज लाते हैं, और एक मेन क्लॉज एक उद्देश्य वाले क्लॉज जोड़ने हो तो आप दैट लेस और सो दैट से कनेक्ट कर सकते हैं. दिस इज हाउ द कंजंक्शंस आर यूज. मूविंग अहेड नाउ, आई एम Yes. So, fourth, जो फोर्थ कैटेगरी है कंजंक्शन का, सबऑर्डिनेटिंग टाइप ऑफ कंजंक्शन, ये है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस बताने वाले. यानी ये कंजंक्शन जब भी आएंगे तो रिजल्ट भी बता सकते हैं, जैसे दैट रिजल्ट के लिए हो सकता है, जैसे दैट ही couldn't buy, इट वॉज सो एक्सपेंसिव, वो इतना महंगा था. तो जहां भी सो एडवर्ब लगेगा ना, याद रखिएगा, सो जब एडवर्ब लगेगा तो उसके बाद दैट कंजंक्शन लगता है, क्योंकि ये इतना महंगा था कि सो के साथ. जब यू आर सो ब्यूटीफुल, मैंने देखा कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कमेंट करते हैं सो ब्यूटीफुल, गलत है, वेरी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं. यदि आप कहते हैं यू आर सो ब्यूटीफुल तो दैट भी लगाना है, You are so beautiful that I can't explain. उसी तरह से result. You are so, it was so expensive that he couldn't buy. You can do this work. आप ये काम कर सकते हो. Therefore, you do it. तुम कर सकते हो, इसलिए करते हो. I can teach. Therefore, I teach. मैं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ. So this is how, this is explanation. Result or consequence explanation बताता है, result बताता है, consequence बताता है. The next category of conjunction, subordinating conjunction is condition. यानी कि main clause का यदि कोई condition बता रहा हो, conditional clause, if clause, तो उसको subordinating conjunction if, unless, except, only, else, in case, इन सारे कंजंक्शन से जोड़े जा सकते हैं. जैसे इवन इफ वेदर, दिस ऑल लेट मी टेल यू अगेन, कंडीशन बताने वाले जो क्लॉज होते हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंडीशन बताने वाले इफ अनलेस एक्सेप्ट ओनली एल्स इन केस इवन इफ वेदर इन द इवेंट दैट, इन सारे कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं. जैसे कि माई नेबर विल बाय दिस इफ आई बाय, मेरा नेबर ये खरीदेगा यदि मैं खरीदता हूं. कंडीशन क्या है, वो हर काम क्यों करता है, क्योंकि मैं करता हूं. सो व्हेन देयर इज अ कंडीशन यू मस्ट यूज इफ, जैसे आई विल गो इफ यू गो, मैं जाऊंगा यदि तुम जाओगे, आई विल गो इफ यू गो. तो कंडीशन बताना हो, यदि मेन क्लॉज में कंडीशन डाल देना हो, जैसे आई विल गो मैं जाऊंगा, और इसमें आपको कंडीशन डालना है, सो इफ यू गो. तो जब भी आपको कंडीशन डालना हो, ये सारे कंडीशनल कंजंक्शंस, जो कंडीशन कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कंडीशन बताने वाले, उसको ऐड कर सकते हैं. आई विल नॉट गो अनलेस आई कंप्लीट इट, आई विल नॉट लीव अंटिल आई ब्रेक इट, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं. कैसे होगा, आई विल नॉट लीव अनलेस आई ब्रेक, या अनलेस कंडीशन बता रहा है, अंटिल टाइम बता रहा है. तो यदि कंडीशन बताना है तो अनलेस, और टाइम बताना है तो अंटिल.
दोनों बस सिमिलर है, एक टाइम बताएगा कि उसके पहले नहीं छोड़ूंगा और एक कंडीशन बताएगा जब तक कि वो काम ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ूंगा। सो अनलेस इज कंडीशन एंड अंटिल इज टाइम मींस कंजंक्शन ऑफ टाइम कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। मूविंग अहेड, एवरीथिंग वॉज करेक्ट, हर कुछ सही था एक्सेप्ट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर के अलावा सब कुछ सही था। तो यहां पर क्या है एक्सेप्ट, यदि हिज बिहेवियर लगा है तो ये नाउन फ्रेज की लग जाता है, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का क्या होता है। चलिए इसको हम कंजंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, एवरीथिंग वॉज करेक्ट एक्सेप्ट द वे ही बिहेव, द वे ही बिहेव, यानी कि जब भी किसी कंजंक्शन के बाद क्लॉज ही आना चाहिए नहीं तो वो प्रीपोजिशन का काम करने लगता है। सो हियर यू कैन से दिस इज प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, एवरीथिंग वॉज करेक्ट एक्सेप्ट द वे ही बिहेव। यहां लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसको कंजंक्शन ऐसे बदल सकते हैं, द वे ही बिहेव क्या है क्लॉज है। तो ध्यान रहे कंजंक्शन वो है जो क्लॉज को बोलता है या फिर हिडन क्लॉज है, जैसे कि ही वाले में था, जैसे यू आर ब्यूटी यू आर बेटर देन ही, यू वर्क हार्ड तुम मेहनत करते हो, एल्स यू विल बी रिजेक्टेड, तुम मेहनत करो यू वर्क हार्ड एल्स यू बी रिजेक्टेड, यू यहां हटा के सीधे बोलिए वर्क हार्ड मेहनत करो नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। एल्स क्या है यहां पर क्या बता रहा है, कंजंक्शन एक कंडीशन बता रहा है नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे। John will come in case Larry is absent. John आएगा in case Larry absent हो जाता है। My father wakes up early morning. मेरे पिता सुबह उठ जाते हैं। Even if it is Sunday, condition यदि Sunday का भी हो तो भी उठ जाते हैं। Even if it is Sunday, I don't know. मैं नहीं जानता। Main clause मैं नहीं जानता। Whether he will come, वो आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं जानता। तो explanation add कर सकते हैं आप। I don't know whether he will come. There will be a penalty in the event that he is unable to pay the debts on time. वहां एक पेनाल्टी लगेगा इस कंडीशन इस शर्त पे कि यदि वो अपने डेट्स अपने जो घाटे हैं वो सही टाइम पर ना दे पाए। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट एंड कंसेशन, यदि आपको कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन वाले क्लॉज जोड़ने हैं तो आप इन कंजंक्शंस के साथ जोड़ सकते हैं दो दो येट ऑल दो इवन दो, तो ये सारे कंजंक्शंस आप जोड़ सकते हैं, इसे कॉन्ट्रास्ट होगा। यानी कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल अपोजिट यदि डालना हो ना तो आप कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं। जैसे कोई व्हाइट शर्ट पहना हो ब्लैक पैंट पहना हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो ये कॉन्ट्रास्ट देना हो ना तो आप ये लगाइए दो दो येट ऑल दो इवन दो, यानी कि उसमें कॉन्ट्रास्ट आप दे रहे हैं। जैसे कि he didn't come, वो नहीं आया, दो I requested, जबकि मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था। He didn't come, दो I invited, even though I invited, दो I requested him to come, yet he didn't come. तो दो के साथ येट का कॉम्बिनेशन भी बनता है, इसको पेयर ऑफ कंजंक्शन भी हमने पढ़ा है। आप पेयर ऑफ कंजंक्शन वाला वीडियो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में साथ में दिया हुआ है, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। कोरिलेटिव क्यों कहते हैं, जब पेयर हो दो और येट का, ये दो कंजंक्शन दो और येट पेयर ऑफ कंजंक्शन भी कहते हैं, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं। इसका डिटेल वीडियो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, आप देख सकते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है। ही केम इवन दो, he came even though, ये आया फिर भी he was ill, though he was ill, even though he was ill, जबकि वो बीमार था फिर भी वो आया, main clause वो आया। और उसका contrast देखिए, बीमार होने के बाद भी आया। तो कभी भी contrast दिखाना हो आपको, just उसका opposite effect दिखाना हो, तो you can add these conjunctions, इनको subordinate conjunction of contrast and concession कहते हैं। और इसी तरह आप इससे शुरू भी कर सकते हैं, जैसे although he knew the matter, though he knew the matter, और yet he didn't handle it properly, जबकि वो मामला जानता था फिर भी उसने मामला को अच्छे से हैंडल नहीं किया। although he knew the matter, he didn't handle it properly. नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो कंपैरिजन वाला है, अभी कंपैरिजन वाला है then, जैसे he is stronger than a giant,
मतलब यहाँ एक छुपा हुआ है, इधर एक क्लॉज छुपा हुआ है। मैंने बताया ना कभी कभी हिडन क्लॉज होता है। अब हिडन क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ध्यान आ गया है। He is stronger, वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किससे दैन तुलना कर रहे हैं, किससे? एक जायंट से नहीं, एक जायंट जितना होता है उससे। यहां पर पूरा क्लॉज है छुपा हुआ। He is stronger than a giant is, या a giant भी बोल के फुल स्टॉप यहां भी लगा सकते हैं। शॉर्टकट का जमाना है, यहां भी लगाएंगे तो करेक्ट माना जाता है, मान लिया जाता है कि उसके आगे एक क्लॉज एक हिडन है। He is as strong as a giant, इसका यही मतलब है। He is as strong as, बीच में एडजेक्टिव डाल दीजिए, as बदल में। You are as beautiful as moon, you are as intelligent as Newton, so I'm as simple as water। तो आप किसी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप इसको सिमिलीज कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, आप ये सब कंजंक्शन लगा के बना सकते हैं। प्लेस, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लेस बताने वाला, जब भी आप मेन क्लॉज के साथ उसका प्लेस बताना चाहते हैं कि ये घटना कहां हुआ है, तो वेयर लगाइए, वेयर एवर लगाइए। जैसे यू कैन प्लेस द चेयर, आप वहां रख सकते हैं चेयर, वेयर एवर यू विल, जहां भी आप चाहें। यू स्टैंड वेयर यू आर, आप खड़े हो जाओ जहां आप हो, यू स्टैंड वेयर यू आर, तो वेयर यू आर, वेयर एवर यू लाइक, ये सब क्या है? कंजंक्शन, ऐसे क्लॉज है जो प्लेस बता रहे हैं और मेन क्लॉज का प्लेस बता रहे हैं। अगला जो कंजंक्शन है वो मैनर बताने वाला है। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो मैनर बताना है, एज, एज इफ, एज दो, हाउएवर, मैनर बताना है। ही शी बिहेव एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, वो ऐसे बिहेव की जैसे उसको सब कुछ, जैसे कि उसको सब पता था। शी बिहेव, कैसा बिहेव किया उसने, ये मेन क्लॉज है और उसका एक्सप्लेनेशन है कैसा बिहेव, मैनर तरीका बताने वाला। शी न्यू एवरीथिंग, यू डू एज यू हैव बीन डायरेक्टेड, तुम वैसा करते हो जैसा कि तुमको कहा गया है, एज यू हैव बीन डायरेक्टेड। ही रीच आउट एज दो टू टच माय फिट, जैसे कि वो मेरा पैर छू गया, ऐसे वो मेरे तरफ बढ़ा जैसे वो मेरा पैर छू गया। ही रीच आउट एज दो टू टच माय फीट, आई फेल सिक, मुझे थोड़ा सा बीमार जैसा फील हुआ। एज दो आई हैड वर्क आउट ऑफ माई लिमिट्स, मैंने अपने लिमिट से बाहर थोड़ा वर्कआउट कर लिया था, तो मुझे ऐसा थोड़ा बीमार जैसा फील हुआ। उसका एक्सप्लेनेशन है मैनर, एज दो आई हैड वर्क आउट ऑफ माई लिमिट, वर्क आउट ऑफ माई लिमिट, अपने लिमिट, अपने दायरे से अधिक काम कर लिया था, ये मैनर है। इसलिए डू इट हाउ एवर यू वॉन्ट, करो जैसे भी तुम चाहो, डू इट हाउ एवर यू वॉन्ट। सब रूल्स ऑफ कंजंक्शंस एंड देयर करेक्ट यूजेस, आप थोड़े से रूल्स पढ़ लें, जो हम लोग मेनली लास्ट है ये कि क्यों यूज, जो कॉमन एरर्स है मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, ये कॉमन एरर आता है, आपको क्रैक करना होगा कि ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें, ये गलतियां कंजंक्शन में जो आप बिल्कुल ना करें। जैसे स्केर्सली और हार्डली, यदि शब्द से शुरू है सेंटेंस में स्केर्सली हार्डली लगा हुआ है, तो उसमें वेल लगाएंगे देन नहीं लगाएंगे। जैसे हार्डली हैड ही रीच्ड व्हेन द टीचर गेव हिम द वर्क, स्केर्सली हैड ही रीच्ड व्हेन द टीचर अगेन गेव हिम द वर्क, वो मुश्किल से पहुंचा ही था कि उसे और काम मिल गया। तो स्केर्सली के बाद भी वेन लगता है, हार्डली के बाद भी वेन ही लगता है, यानी कि पहला क्लॉज हार्डली से यदि शुरू होगा तो दूसरा क्लॉज वेन से शुरू होगा। इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, इस बात को ध्यान रख लीजिए। यदि आपने देन लगा दिया तो वो गड़बड़ होगा, दैट विल बी अ मिस्टेक, दैट विल बी एन एरर, ध्यान रहे। उसी तरह स्केर्सली के बाद यदि आपने देन लगा दिया तो ये गलत है और ये सही है। स्केर्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन, करेक्ट। सो स्केर्सली के बाद वेन का यूज होता है, स्केर्सली के बाद देन का यूज नहीं होना चाहिए। वेल मूविंग अहेड, रूल नंबर टू जो कॉमन एरर्स में देखने को मिलता है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसको यूज कर सकते हैं, नो सूनर को हमेशा देन के बाद करेंगे, बट नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ देन लगाएंगे नो सूनर के बाद, ध्यान रहे। हार्डली और स्केर्सली के बाद वेन लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे,
और नो सुनर के बाद देन ही लगाएंगे, जैसे फर्स्ट क्लॉज नो सुनर के बाद और सेकेंड क्लॉज देन के बाद. लेट्स स्टार्ट द करेक्ट. नो सुनर हैड ही रीच्ड, नो सुनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट. वो पहुंचा ही था स्टेशन कि ट्रेन खुल चुकी. नो सुनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन बट, ये बट वाला गलत हो जाएगा. सो फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. So, correlative conjunction should be followed by the same part of speech. ये भी बात याद रखेगा. ये note है, इस notes को याद रखेगा. ये note क्या है? मैंने बताया ना pair of conjunction को क्या कहते हैं, जिसको मैंने शुरुआत में ही conjunction, coordinating conjunction के वीडियो में correlative conjunction समझाया हूं. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. Correlative conjunction के बाद जैसे first pair, यदि आपने hardly के बाद ही लगाया है, hardly had के बाद ही लगाया है, तो when के बाद भी ही, यानी कि सब्जेक्ट का यूज, यदि आपने फर्स्ट पेयर के बाद सब्जेक्ट यूज किया है तो सेकेंड पेयर के बाद फिर से क्लॉज का सब्जेक्ट ही होगा. यदि फर्स्ट पेयर के बाद वर्ब है तो सेकेंड पेयर के बाद वर्ब ही होगा. यदि फर्स्ट पेयर के बाद एडजेक्टिव है तो सेकेंड पेयर के बाद एडजेक्टिव ही होगा. ये बात को याद रखना है, ये रूल है. कोरिलेटिव कंजंक्शन शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम फंक्शन. और ये गड़बड़ी आप करेंगे तो ये कॉमन एरर होगा. इसीलिए जब भी पेयर ऑफ कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा. मूविंग अहेड, तो इनकरेक्ट यूज क्या है? ही नाइदर अग्रीड टू माई प्रपोजल नॉट टू हिज. देखिए, ही नाइदर, ही के बाद क्या लगा हुआ है? ही नाइदर अग्रीड, नाइदर के बाद अग्रीड लगा हुआ है और नॉट के बाद टू हिज लगा हुआ. नहीं, यदि नाइदर के बाद प्रीपोजिशन लगा रहा था तो ही नॉट के बाद प्रीपोजिशन लगाना था. ये गलत है. इसको सही कैसे करेंगे? ही अग्रीड नाइदर टू माई प्रपोजल, नॉट टू हिज. यानी नाइदर के बाद यदि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो नॉर के बाद भी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ही चाहिए. यदि नाइदर के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव ही चाहिए. यदि नाइदर के बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट ही चाहिए. यह है कॉमन एरर का रूल. याद रखेंगे, आपसे नहीं तो गलतियां हो जाएंगी और कॉम्पिटेटिव में मार्क्स स्ट्रेचिंग होता है. यह कॉमन एरर. आगे बढ़ते हैं. द फोन वॉज, ये गलत हो जाएगा. फायर The phone was neither went, नहीं और neither और nor जो भी लगी गलत होता है. जो सबसे है कि neither के बाद यदि preposition तो उसके बाद आगे रखते हैं. The phone neither went dead nor verb. Neither के बाद verb है तो nor के बाद भी verb है. Clear? Very clear. जो part of speech use होगा first pair में, सेकेंड के बाद भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम फंक्शन. उसी तरह का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब है तो वर्ब, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यूज होगा. मूविंग अहेड, अगला कंजंक्शन दैट, जो कंजंक्शन दैट है इज नॉट यूज बिफोर पंक्चुएशन. यदि पंक्चुएशन लग गया तो दैट नहीं लगता है. पंक्चुएशन हटाएंगे तो ही उसका डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाया जाता है. डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास ये सब लगाए जाते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगाया जाता है. और इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में दैट नहीं लगाया जाता है. जैसे ही सेड दैट, ये गलत हो गया. क्यों गलत है? क्योंकि दैट के बाद ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है. ही सेड इट वॉज नन ऑफ माई बिजनेस, ये सही है. यहां दैट नहीं लगता है. दैट का यूज कहां नहीं होता है? जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन लगा हुआ है उसके जगह दैट का यूज नहीं होता, वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही लगेगा. आगे ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टेड, और दैट का यूज वहां भी नहीं होता है जहां हम कनेक्ट कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे रिलेटिव एडवर्ब से. आई आस्क्ड हिम वेयर आई स्टेड, जैसे यदि यह असर्टिव सेंटेंस रहता तो दैट लगता, मगर ये पूछने वाला है. इंट्रोगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन है. ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है. इसका क्या होगा? इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं. ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वेयर यू स्टे. अब इसको यदि आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा, यहां पर ही सेड टू मी है तो
ही आस्क्ड मी वेयर आई स्टे, तो सारे इंट्रोगेटिव एसर्टिव में बदल दिए जाते हैं और उस समय जो कंजंक्शन होता है ये वेयर का यूज किया गया है, दैट का यूज नहीं होता। तो ध्यान रहे दैट कंजंक्शन का यूज सिर्फ एसर्टिव टू एसर्टिव बदलने में होता है और दो तीन केसेस में होता है, बाकी इंट्रोगेटिव में नहीं होता है और किसी भी डायरेक्ट स्पीच में तो नहीं होता है दैट का यूज। वेल मूविंग अहेड, although का हमेशा yet के साथ कॉम्बिनेशन है, यदि although चाहे दो या दो के साथ yet लगाइए चाहे although के साथ लगाइए, लेकिन but नहीं लगा सकते, बीच में but नहीं होना चाहिए। जैसे although मनोहर इज diligent, मेहनती है, diligent means मेहनती, मनोहर मेहनती है, yet he doesn't get a job, तो ये करेक्ट है। although मनोहर इज diligent he doesn't get a job, या yet लगाए ना लगाए कॉमा लगा दे तो भी ये भी सही हो, लेकिन then लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। then के इस्तेमाल में बैट बट नहीं लगाएंगे, इसमें बट नहीं लगाएंगे, yet लगा सकते हैं कॉमा लगा सकते हैं, यानी कि क्लॉज वन को क्लॉज टू से जोड़ना है तो आप कॉमा से भी जोड़ सकते हैं और कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं, चॉइस है आपका। कॉमा लगाने से कोई गलत नहीं होता है, वो कंजंक्शन वो भी क्लॉज जुड़ जाते हैं। So, learners, यदि बेसिक बिगिनर्स हैं उनको भी सेंटेंसेस लिखना है तो कॉमा लगा लगा कर वो ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमा से भी सेंटेंस जुड़ जाता है। आगे नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, अब बट कहा लगेगा, बट को मैंने शुरुआत से मना किया था तो बट के लिए है नथिंग एल्स, यदि नथिंग एल्स कुछ नहीं मगर उसकी बदमाशी है, इट इज नथिंग एल्स मिस्टर ऑफिसर दिस इज नथिंग एल्स देन बॉस इज गलत, देन नहीं लगेगा, यहां लगेगा मिस्टर ऑफिसर दिस इज नथिंग एल्स बट बॉसिज्म, ये कुछ और नहीं बॉसिज्म है, दिस इज नथिंग एल्स बट बॉसिज्म। आगे बढ़ते हैं, वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड दिस कंजंक्शन चैप्टर, आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, मेरा नंबर है 9334314161 और मैं आपके रिवर्ट बैक करूंगा, इसमें व्हाट्सएप करने से आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब लिंक और सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, और साथ में ही आप चाहे तो यू कैन फॉलो द बुक, दिस बुक इज करेक्ट योर इंग्लिश, और ये बुक को आप बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए करेक्ट योर इंग्लिश, यू कैन करेक्ट योर इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बाय फॉलोइंग दिस बुक। नाउ लेट मी कवर दिस, so not only the workers but also the manager, not only के बाद the workers लगाया गया है but also के बाद the manager लगाया गया है, यानी कि subject, not only के बाद subject लगाया गया है but also के बाद भी subject लगा गया है, ये पूरा subject सही है, जिसके बाद first pair के बाद यदि subject है तो second pair के बाद भी subject लगेगा, first pair के बाद object है तो second pair के बाद भी object लगेगा, first pair के बाद adjective है तो second pair के बाद भी, और pair क्या है not only के साथ but also का चलता है। The next is she looked at me in such a distress that he had to look away, वो इस तरह से देखा कि मुझे देखना पड़ा, कि as he had to look away, तो हमेशा करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन रखेंगे, कारण बताना है तो दैट लगेगा, जैसा कि कारण नहीं बताता दैट इज एक्सप्लेनिंग द मैनर एंड वे, किस तरीके से देखा मैनर बताना है दैट, एंड डू नॉट यूज सेल्डम और एवर इन प्लेस ऑफ सेल्डम और नेवर, ये सेल्डम मतलब कभी कभार होता है, तो सेल्डम मतलब कभी कभार, तो सेल्डम मतलब कभी कभार और ना के बराबर, हमेशा ये करेक्ट होता है ये गलत होता है, सेल्डम के साथ एवर नहीं, एवर मतलब हमेशा और सेल्डम मतलब कभी कभार, इन दोनों का जो पेयर नहीं है, सेल्डम मतलब कभी कभार और एवर का मतलब हमेशा, तो इन दोनों का पेयर नहीं, पेयर किसका है कभी कभार और कभी नहीं। ओके द नेशनल नेटवर्क सेल्डम और एवर टेलीकास्ट, ये गलत है, सेल्डम के साथ एवर का यूज नहीं करते हैं, सेल्डम द नेटवर्क The national network seldom or never telecast good programs, यानी seldom के साथ never का combination है और आप इसको conjunction लगा सकते हैं। Last में एक note आपको बता दे, let us understand the frequency words of negative to positive, यदि हम बताएं कि कौन कितना negative कौन कितना positive वाला है
कंजंक्शन या एडवर्ब, तो नेवर मतलब होता है बिल्कुल नहीं, रेयरली मतलब होता है न के बराबर, हार्डली होता है मुश्किल से, हार्डली एवर का मतलब होता है मुश्किल से कभी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनल का मतलब होता है सिर्फ मौके पर, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है मोर ऑफन, एंड यूजुअली का मतलब एकदम बिल्कुल, अदर नियरली ऑलवेज, एवर एंड ऑलवेज। यदि आप देखेंगे तो सबसे पॉजिटिव डिग्री है ऑलवेज, एवर, फिर रिड्यूस कर रहा है इस तरह से। ये एडवर्ब्स है, इनको बस एक नोट के तौर पे माना गया है ताकि आप क्या मतलब समझेंगे सेल्डम का, या दिस कैन बी यूज इन नेगेटिव ऑर्डर, ये पॉजिटिव ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में है कि हाउ दीज, दिस इज, दिस वॉज द पेज नंबर, आई विल एक्सप्लेन यू, दिस वॉज पेज नंबर 188, ये था पेज नंबर 88 मेरे बुक योर इंग्लिश का। Keep on reading that book. Keep correcting your English. I am there to solve all your doubts, all your problems. Do like the video. Do subscribe the channel. And don't forget to share, because your friends are waiting for the right guidance. Have a great day. Bye-bye.